तो ये जमाने को क्या मालूम है प्रभात जी की वाकई स्थिति ऐसी आ गई है कि आप वाकई अभिव्यक्ति से डरने लगे हैं, रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे। और ये हमारे यहाँ एक फेरिस्त है लंबी, हम लोग दिखाते भी हैं कि किसने क्या खाया, कैसे मारा गया, क्या स्थिति बनी। हमारा ये कहना है कि कानून व्यवस्था का मसला हो तो भी सत्ता हावी, किसी जांच एजेंसी का मसला हो तो भी सत्ता हावी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी कल जो स्थिति आ गई सामने उभर कर, आज अखबारों में खबर है, वहां भी लगा कि सत्ता हावी। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं क्या? देखिए वाजपेयी जी, संस्थान कभी समाप्त नहीं होते। सत्ता के, एक मिनट, सत्ता के खिलाफ सामान्य रूप से होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरे जनता दल यू के मित्र होने के बाद भी, अलायंस होने के बाद भी, मैं जैसे आपने कहा कि आप डिफर करते हैं, मैं नहीं समझता कि भारत में किसी पत्रकार को कोई दबाता होगा। मैं नहीं समझता कभी साप्ताहिक, एक मिनट नहीं, इस बात में जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग पत्रकार हैं, हमको तो बीच में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताइए, हमने इस दौर में झटके में देखा कुछ मीडिया संस्थान सरकार का गुणगान करने लगे। क्यों करने लगे हम नहीं समझ पाते हैं, क्यों कर? अब ये तो आप उस मीडिया संस्थान से पूछेंगे, क्योंकि आप मीडिया के हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। सवाल क्या है, कौन किस रूप में? देखिए, जब आपका इंटेंशन बदल जाएगा, आपका कोई हिडन एजेंडा होगा, तो आपकी पवित्रता समाप्त होगी। होता क्या है, हर जगह हिडन एजेंडा। ये तय कौन करता है कि हिडन एजेंडा? मैं बताता हूं आपको, क्या किसी पत्रकार की भूमिका विपक्ष की होती है? मैं नहीं समझता पत्रकार निष्पक्ष होता है। मैंने 16 साल संपादकीय की है, मैंने कभी किसी से घबराया, और मैंने उस दौर में की है जहां जुल्म कहा करते थे। अब तो तय होता होगा, मैं नहीं समझता कि आज भी कोई दबाव है। अब आपका कोई चैनल करता होगा सत्ता का गुणगान, अगर अच्छा है तो करता होगा, बुरा है तो नहीं करता होगा। मैंने कभी आपको सत्ता का गुणगान करते नहीं देखा। मैं तो जब पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनता हूं तो इसलिए सुनता हूं कि मेरे सत्ता की कमजोरी क्या है, और दिल से सुनता हूं। और जो अपनी कमजोरी नहीं सुनता है उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। हम खुले आजाद हैं, कौन कहता है हमें दबा सकता है कोई? जब आपातकाल में नहीं दबे, बहुत छोटे थे, अब क्या दबेंगे? भारत का कोई ना, देखिए घटनाएं होंगी, समाज है वाजपेयी जी, समाज है। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कोई घटना होती है, सरकार कार्रवाई नहीं करे, शासन कार्रवाई नहीं करे, तो हमारा दोष है। समाज में घटनाएं होंगी, लेकिन घटना के तत्काल बाद कार्रवाई होनी चाहिए। घटना नहीं हो इसका जन जागरण भी करना चाहिए। हम, मैंने पहले कहा दो शब्द आपको, कि मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमने वोटर सेंस डेवलप किया, हमने सिविक सेंस डेवलप नहीं किया। ये मेरा भारत है, हम नागरिक हैं, हम एक, आप जानते हैं क्या हालत है, 70 साल की आजादी के बाद लिखना पड़ता है कि पेशाब करना मना है, बाएं चलिए, दाएं चलिए, पार्किंग यहां मत करिए। ये सामान्य ज्ञान नहीं है क्या हमको? हमें इस बात का दुख है, चाहे हम किसी भी दल के हों। आजादी चाहिए तो आजादी के लिए नागरिक का कर्तव्य बोध भी जगाना पड़ेगा, और जब कर्तव्य बोध जगेगा तो अधिकार की प्रबलता भी बढ़ेगी, हम खड़े होंगे। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं यहां जितने लोग खड़े हैं, आज आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या नहीं, किसके बारे में लिखा जाता है, कौन डरता है? कोई नहीं डरता है। ऐसे कार्टून आते हैं जो देखने में लगता है यार क्या, और जागरूक हुआ है, जनता जागरूक हुई है। और इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि आजादी के 70 साल बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह सुनहरा अवसर आया है, आज नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद कभी कम ज्यादा होगा। और जिन्होंने भी इस पर प्रहार किया उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा है, कोई भी करेगा उसे सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा।